एनडीपीआई नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी इंडियन में मेरी घर वापसी हुई है और हमारे नेशनल बॉडी उन्होंने एक बार फिर मुझ पर विश्वास जताया है और मुझे यहाँ जम्मू कश्मीर यूटी का प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। और आज जैसे कि पहले भी है मैं इसके बारे में जिक्र किया कि हमारी ये पार्टी का झंडा है जिसका तीन कलर हैं, पर्पल, ऑरेंज एंड ग्रीन। पर्पल जो है वो दर्शाता है विमेन और एम्पावरमेंट, और ऑरेंज है यूथ एम्पावरमेंट, ग्रीन है एनवायरनमेंट, हेल्थ, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी। तो हमारी पार्टी का सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटीज़ रहेंगी वो विमेन को लेके हैं। बाकी पार्टी वाले विमेन को इतना फोरफ्रंट में नहीं लाते, ना एक्सपोजर नहीं देते जितना हम देने जा रहे हैं, क्योंकि नारी शक्ति को ही साथ लेके हमने कामयाब होना है। 75% हम उनका योगदान लेंगे। और जो यूथ है, यूथ और नारी शक्ति जब दोनों मिलके आगे बढ़ेंगे, इस वक्त हमारा देश युवाओं का है, 75% 35 ईयर्स के हैं और 50% जो है 25 ईयर्स थे, तो पूरा हमारा हिंदुस्तान नौजवान है इस वक्त। तो वो नौजवान ही हमारी शक्ति बनेंगे, महिलाएं हमारी शक्ति बनेंगी। तो हम इस वक्त इसी सोच के साथ उतरे हैं यहाँ मैदान में, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर का एक विकल्प है। ये जम्मू कश्मीर में झंडा लहराएगा सेक्रेटरीट के ऊपर जब इलेक्शन आएंगी। अब देखना, ये जो विकल्प है और हमारी जो इच्छा शक्ति और निष्ठा, सच्चाई, यही हमारी जीत का कारण बनेगी। तो मैं आपके माध्यम से तमाम जम्मू कश्मीर वासियों को अपील करता हूँ कि वो भारी संख्या में हमारी पार्टी के साथ जुड़े, और जो अजमाए हुए हैं उनको मत अजमाइए। नए नौजवान लोगों को मौका दें, उन्हें परखिए, क्योंकि जो नौजवान ही कर सकता है, जो महिलाएं कर सकती हैं, वो कोई नहीं कर सकता। यही मैं आपके माध्यम